स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल बुक के चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज़ के क्वेश्चंस। देखिए, मेरे सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर वन है। मैं क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में आपको कुछ करंट एसेट्स दे रखी हैं और कुछ करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, अलॉन्ग विद सम नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ ऑल्सो। तो आपको उसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। आपको करंट एसेट्स जो हैं, देखिए मैंने सारी करंट एसेट्स जो है इसमें ऐड करके लिखी हुई हैं। करंट एसेट्स में आपका है ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इन्वेंट्रीज, जिनका सम आया है सब कुछ करने के बाद 4 लाख। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज के अंदर आए हैं आपके बिल्स पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, इन तीनों को ऐड करा तो आपका करंट लायबिलिटीज आ गए टोटल 2 लाख। और फिर करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, वो निकाल लिया गया, जो आया 4 लाख अपॉन 2 लाख, दैट इज़ 2:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से निकाला गया। जो भी डेटा गिवन था उससे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकाल ली गई। और फिर करंट रेशियो निकालने के लिए करंट लायबिलिटीज़ को करंट एसेट से डिवाइड कर दिया गया, सो एज़ टू गेट द करंट रेशियो, जो कि आया 2:1। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू में बच्चों आपको टोटल एसेट्स दे रखी हैं, टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है और नॉन करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। और आपसे कहा गया करंट रेशियो निकाल लिए, यानी उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो दे ही नहीं रखी है आपको, यानी कि ना ही आपको करंट एसेट्स दे रखी है, ना ही कोई आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर आपको टोटल एसेट दे रखी है तो उसमें से अगर हम नॉन करंट एसेट हटा दें तो हमारी करंट एसेट आ जाती है। तो ये जो फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फ्रॉम द टोटल एसेट्स, यू विल गेट द करंट एसेट्स, जो कि 5 लाख में से 2 लाख 50 और 150 को माइनस किया तो आंसर निकला आया 1 लाख। सिमिलरली अगर हम अपनी टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हटा दें तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड अप्रोच होती है। टोटल एसेट्स जो है एसेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स मिला के बना है, और लायबिलिटी साइड अप्रोच में वो नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटीज को मिला के बना है। तो उसी अप्रोच को यूज़ करते हुए टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटाएं तो करंट एसेट आ गया, टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज हटाएं तो करंट लायबिलिटीज आ गया, ये आया 50,000 निकल के। और फिर करंट रेशियो निकालना आसान बात है बच्चों, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, जो कि आपका आ गया 1 लाख अपॉन 50,000, दैट इज़ 2:1। और इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही, अगले वीडियोज़ में मैं आपके ऑल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। थैंक यू बच्चों।